दोस्तों। बोलो क्या हो गया है तुम्हें आज? अच्छी बात है, बोलता हूं। दोस्तों लेखक उस्ताद का नाम, शुरू करता हूं अपना काम। मैंने सीखा जादू काला, आगे आए कोई दिल वाला। सोई हुई किस्मत को जगा दूं और जागी हुई किस्मत को सुला दूं। कंवारों की शादी कर दूं और शादी होते होते ही रुकवा दूं। अबे चल चल, झूठा कहीं का। तू तो कहकर गया था कि राजकुमार तशुरबरन और राजकुमारी शबानी की शादी नहीं होगी। अबे उनकी तो मंगनी भी हो गई। पक्का झूठा है, मारो इसे, मारो, 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 मारो। एक माँ और 12 परवाने, यानी एक शबानी और 12 प्रेमी। आप जानते हैं इन प्रेमियों को? सिर्फ एक को जानता हूँ। कौन है वो? बांके मैं हूँ। मैं शर्मिया की राजकुमारी का मजाक उड़ाते मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ओहो, देखे तो कैसे उड़ाते हो गर्दन। गर्दन उड़ जाएगी तुम्हारी राजकुमारी के लिए, और मरना चाहता था मैं उसके लिए। तुम्हारी तमन्ना अभी पूरी हो जाएगी। राजकुमारी, अभी तक याद हो रही इच्छा, जब मिला था राजकुमारी से शाही बाग में। और बाकी जानते हो उसके बाद क्या हुआ? मैंने कर दिया काला जादू राजकुमारी पर। वो बैठ के मेरे पास अपना सितारों वाला पल्लू समेट कर और जानते उसके बाद क्या हुआ? मैंने पकड़ ली राजकुमारी की थोड़ी, मैंने पकड़ ली राजकुमारी की थोड़ी, खो गए। उड़ा दी गर्दन। मेरी आंखों में उसने अपनी शराबी आंखें डाल दी। बच्चों, अभी बच्चे हो, जाओ खाना खा के आओ। कहता था ना बच्चे हो बच्चे। अरे हाँ, असली बात तो मैं भूल ही गया। उसके बाद राजकुमारी कहने लगी आबशार सी मीठी आवाज में, तुम पूछोगी क्या? वो कहने लगी, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। अरे हो गया क्या? गर्दन आ गया तारी। बांके जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अबे तुम क्या समझोगे बच्चे हो। लेकिन सुनो, मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया राजकुमारी का मैली से रचा हुआ हाथ। राजकुमारी का मुंह हो गया शर्म से लाल। उसने अपना सर डाल दिया मेरी गोद में। अरे फिर हो गए? जानते हो उसके बाद राजकुमारी ने क्या किया? उसने उतार दिया अपना ताज और डाल दिया मेरे कदमों में। उड़ा दूं गर्दन। अरे फिर माफ कीजिएगा, मैं नहीं चाहता था कि टोपी।
मतलब आजी जानती नहीं राजकुमारी सुबानी ने कैसी वजह से तलवारबाजी माना करा दी है। सुनिए तो, पकड़ लो इन्हें। हम तलवारबाजी नहीं कर रहे थे, हम तो खेल रहे थे। क्यों? ठीक कहता है, मेरा मतलब ठीक कहती है, हम खेल रहे थे। कहाँ जा रही हो? सुनिए तो, सुनिए, नहीं आना। तलवारबाजी नहीं कर रहे थे, हम तो खेल रहे थे। खेल रहे थे? हाँ हाँ, ये मेरे पति हैं। पति? मैं उसका पति हूँ। ठीक कहता, मेरा मतलब ठीक कहती है। मुझे तो नहीं, कहीं आपकी राजकुमारी शिवानी को ना हो। सुबह होते ही आपकी उनसे मुलाकात होगी, हाँ, और दूसरी रंगीन शाम राजकुमारी शिवानी के साथ आप शबिस्तान में गुजारेंगे। जिस शबिस्तान में तुम ना हो वो मेरे लिए शमशान। महामंत्री ले गए। महामंत्री? क्यों? फांसी देने के लिए। फांसी देने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता, वो बेगुनाह है। हाँ तुम भी चलो। मैं भी नहीं चलूंगा, उसको भी वापस लाऊंगा, राजकुमारी की शिकायत करूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं राजकुमारी से फरियाद करूंगा। राजकुमारी मेरी पत्नी बेगुनाह, उसे छोड़ दीजिए, उस पर रहम कीजिए। फांसी देनी है तो मुझे दीजिए राजकुमारी। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, राजकुमारी। पुराने प्रेमी जो थे राजकुमारी। समीर बाबू, कल तक आप कुछ और थे, आज एकदम से इसमें बदल क्यों गए? बदल में आ गया हूँ या आप? मैं? हाँ हाँ आप। मैं जो कल था आज भी वही हूँ, एक गरीब मदारी जिसकी छोटी सी दुनिया में आकर एक लड़की ने हलचल मचा दी। उस गरीब ने एक दिन में ना जाने मोहब्बत के कितने ख्वाब देख डाले। जानता था रेत में घर बना रहा है, जिसे वो भोली भाली लड़की समझता था वो राजकुमारी है, जो उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाने आई।
मजाक नहीं तो जिस लड़की ने आपकी दुनिया में आकर हलचल मचाई वही आपके सामने है। उसके लिबास और उसकी शान को मत देखिए, उसकी आंखों में देखिए। राजकुमारी कहूं या शिवानी? शिवानी शिवानी शबानी। राजकुमारी तक पहुंचना इतना आसान नहीं। सुना नहीं, शहद पीने के लिए छत्ता तोड़ना पड़ता है। ये तो मेरी पुरानी आदत है। एक जरूरी पैगाम आया है राजकुमारी। पैगाम? उससे कहिए फिर आए। राजकुमारी, उस पैगाम को टाला नहीं जा सकता, उसका जवाब फौरन देना होगा। हम अभी आते हैं। राजकुमारी, किष्किंधा के राजकुमार से आपको शादी करनी ही पड़ेगी। ये कभी नहीं हो सकता। हम किष्किंधा से आखिरी दम तक लड़ेंगे। किस्मत के साथ कौन लड़ सकता है राजकुमारी? जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? लड़ाई में तुम्हारे पिताजी कैद हो गए। हाँ, पिताजी कैद हो गए। हाँ, किष्किंधा का राजदूत ये पैगाम लेकर आया है कि राजकुमारी अब भी शादी के लिए हाँ कर दे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। महामंत्री शिवानी, एक तरफ तुम्हारी खुशी है और दूसरी तरफ तुम्हारे पिताजी की जिंदगी और सारी रियाया की खुशी है। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ फर्ज। दोनों में से एक को चुन लो अपने लिए। महामंत्री, उन्हें यहाँ भेज दीजिए। राजदूत को? नहीं, मीर को। शबानी, शबानी यहाँ क्या कर रही थी इतनी देर तक? जादू करने में आया था और कर दिया तुमने। दो बेगाने ऐसे मिले हैं कि उनके लिए मिलाप जिंदगी है और जुदाई मौत। खामोश। ये कैसी बातें कर रही हो शबानी? शबानी नहीं, राजकुमारी कहो। ये तुम कह रही हो शबानी? मजाक ही मजाक में एक मदारी को महल में ले आए और वो मोहब्बत के सपने देखने लगा। सपने? और क्या, फर्क सिर्फ इतना है कि लोग सोते में सपने देखते हैं और तुमने जागते में देखा। नहीं शबानी, तुम्हारी आंखें कह रही हैं, तुम मुझे अब भी चाहती हो। तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती। कसूर मेरा नहीं, तुम्हारा है। एक युवती महल की दीवार पर चढ़ना चाहती थी, ना चढ़ सकी। दीवार का क्या कसूर? एक जुगनू उड़कर चांद तक पहुंचना चाहता था, गिर पड़ा। इसमें चांद का क्या कसूर? एक मदारी मजाक को मोहब्बत समझ बैठा, इसमें राजकुमारी का क्या कसूर? तो ये सब एक मजाक था। हाँ। शिवानी, एक राजकुमारी का तख्त पर आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महामंत्री, किष्किंधा के राजकुमार तशरबरन को हमारा पैगाम भिजवा दीजिए।
कि हमें शादी की शर्त मंजूर है। और हाँ, ये भी कहलवा दीजिए कि हम उनके राज तिलक की रस्म में जरूर आएंगे। खबर सुनो, खबर सुनो, खबर खुशी की आज, किष्किंधा के राजकुमार सुशीलवरन महाराज पहनेंगे ताज, करेंगे राज। आएगी अब बनकर दुल्हनिया कालिंदी की रानी, हिरन की आंखें चांद सा मुखड़ा, उसका नाम शिवानी। राजकुमार सुशुद्धरण कल सुबह राजधानी में राज तिलक के लिए पधारेंगे। शाही शिकारगाह से घोड़ा भी कभी रुक सकता है। कल सुबह राजमहल में शाही ताज सुशोभन के सर पर नहीं बल्कि उनके बहादुर भाई आशिक बन के सर पर होगा। शपनी, तुम्हारी चाल कामयाब रही। शपनी का बाज कभी खाली नहीं जाता। शाबाश। का वार खाली नहीं जाता। ना लायक। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, मैं यहां के राजकुमार तुषार पर। और तुम? दाढ़ी मुंडाकर दूसरा तुषार पर।
बहादुर भी और हम शक्ल भी। लो ये है तुम्हारा इनाम। मैंने इनाम के लिए आपको नहीं बचाया था, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। अच्छा तो चलो हमारे साथ शाही मेहमान खाने। शाही मेहमान खाने? जरूर, लेकिन मैं अपने साथी लड़कियों को साथ लेकर आऊंगा। लड़कियों कौन है ये? नाचने वाली है मालूम होती हैं। नाचने वाली? नीलमा, सिंगार की तुम्हें क्या जरूरत? चांद को गहने कौन पहनाता है? अच्छा हाँ नीलमा, तुम रानी बनने के लिए पैदा हुई। रानी? हाँ, हम तुम्हें रानी बना सकते हैं मगर एक शर्त है। आप जो कहेंगे वो ही करूंगी। तो तुम्हें हमारे भाई राजकुमार तुषारवरण के सामने नाचना होगा और शरबत में घोलकर एक दवाई पिलानी होगी। जहर? नहीं, नींद की दवाई, जिसे पीकर वो 24 घंटे बेहोश हो जाएंगे। कल राज तिलक का वक्त होगा, नक्कारों पर चोट पड़ेगी और वो नहीं आ सकेंगे, तब बनेंगे राजा और तुम बनोगी रानी। बोलो। जानता था राजकुमार और राजकुमारियों का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एक ही शक्ल। मेरी पीठ फिर से ही मेरी साथी लड़कियों को नीले किले में पहुंचा दिया गया और अब मुझे बहुत मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? पकड़ लो इसे। पकड़ लो इसे? क्यों पकड़ लो? बात क्या है? मुझे भी पकड़ लो। लिटा दो उसे। अरे अरे भाई बात क्या है, कुछ मुझसे तो बोलो, कहाँ लिटा दिया मुझे? बिल्कुल एक शक। सिर्फ गाली ज्यादा है। पकड़ लो इसका हाथ। पकड़ लो इसका हाथ? बात क्या है? तुम्हें दाढ़ी मुड़ाना। दाढ़ी मुड़ाना? क्यों? कल तुमने राजा की जान बचाई, आज उनका तख्त बचाना है। क्यों? तुम्हें राजा बनना। मुझे राजा वाजा कुछ नहीं बनना मदारी। अच्छा मैं जाइए आप यहाँ से। राजा बनना है? नहीं बनता मैं राजा। राजा तो बनेंगे हम और तुषारवरण। अजी तुषारवरण होश में आकर फिर भी होश हो जाएगा? अजीब बात है, आपके भाई की शक्ल बिल्कुल हमारे साथ ही कमीर से मिलती जुलती है। राज तिलक के बाद हम राजमहल से यहीं वापस आ जाएंगे, जब तक राजकुमार होश में आ चुके होंगे और अपनी जगह आप संभाल लेंगे। आओ जल्दी आओ। मैंने कहा जनाब, ये राज तिलक आज रुक नहीं सकता। नहीं, अगर आज सुबह 9 बजे तक तुम राज तिलक के लिए नहीं पहुंचते हो तो राजकुमार तुषारवरण कभी राजा न बन सकेंगे। तो फिर कौन राजा बनेगा? उनके सौतेले भाई अर्षित भरण। मुअज्जिज मेहमानों, ये तीसरी बार है, ये तीसरी बार है मुअज्जिज मेहमानों कि हमारे प्यारे भाई राजकुमार तुषारवरण राज तिलक के वक्त नहीं आए। इसमें प्रजा की बेइज्जती है। मैं जानता हूं कि आप दूर दूर की रियासतों से राज तिलक में शिरकत के लिए आए हैं और तुषारवरण शराब के नशे में बदहोश हैं। सोचिए इसमें हम सब की बेइज्जती है, क्या आप ये बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं? बोलिए आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या आप लोग इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकते हैं? और आप लोग कभी नहीं।
उन्हें यह भी ख्याल ना हुआ कि राज तिलक के लिए वक्त पर ना आना रियासत की, हम सब की और उस्ताद की, उस्ताद की बेइज्जती है जो हमारे बाप दादा के सर की शोभा था। मुअज्जिज मेहमानों, क्या आप लोग इस ताज की बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। 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 तो आज राज तिलक जरूर होगा। अगर राजकुमार पिछड़ वाले वक्त पर नहीं आए हैं तो ये ताज उनके प्यारे भाई राजकुमार आसिफ बन के सर पर रखा जाएगा। हमें मंजूर है। हमें भी मंजूर है। राजकुमार तुषारवरण। तारे प्रजा के प्यारे राजकुमार तुषारवरण आज से महाराज तुषारवरण कहलाएंगे। प्रजा को पैगाम दीजिए। पैगाम तो सब कोई देते हैं, हम नहीं देंगे। जाओ चलो भाई। दोस्तों, मेरा मतलब है मुअज्जिज मेहमानों, मेहमानों, लेकर उस्ताद का नाम शुरू करता हूँ अपना काम। सोतों को जगा दूं और जागते हुओं को सुला दूं, बिगड़ी हुई किस्मत को बना दूं और बना के फिर से बिगाड़ दूं, छुपे हुए खजाने का पता बता दूं और बताकर फिर से छुपा दूं, कवारों की शादियां करा दूं और शादी होते होते ही रोकूं। क्या बकते हो, प्रजा के ख्याल की बातें करो। प्रजा का ख्याल? हमें प्रजा का बहुत ख्याल है। हमारे स्वर्गवासी पिताजी श्री महाराज श्री श्री अनुपवरण जी प्रजा पर जादू कर दिया करते थे, लेकिन हम उनसे अच्छा जादू कर सकते हैं। हम अपने जादू करके प्रजा को सुला देंगे। आप सबको सुला देंगे, आपको सुला देंगे, आपको सुला देंगे, और आपको भी सुला देंगे, और आपको भी सुला देंगे। आइए आइए, यहाँ तशरीफ मकानो जी, यहाँ तशरीफ लाइए, मैं आपको सुला दूंगा। आइए, आप कुर्सी मत काटिए, तशरीफ लाइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुअज्जिज मेहमानों, ये है मेरे बड़े प्यारे भाई आशिक पर। अब मैं क्या करूंगा, जादू से इनको सुला दूंगा। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। मुअज्जिज मेहमानों, जो इनके दिल में है अब मेरी जबान पर आने वाला है। देखो मेरी आंखों में देखो, देखो। क्या देखा तुमने? हाँ, कुछ नहीं। अच्छी बात है, मैं बताता हूँ जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। तुम्हें घोड़े को भांग पिलाना खूब आता है, तुम्हें शरबत में नींद की दवाई डालना भी खूब आता है, और तुम्हें भेस बदलना भी खूब आता है। आए, 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 सुनी 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 क्या कह रहे हैं? रियासत कालिंदी की राजकुमारी शिवानी। राजकुमारी शबन यहाँ क्यों आई है? राजकुमार के साथ उनकी शादी होगी। शादी? इसलिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। अब मुझे क्या करना? प्यार, झूठा प्यार। मैं झूठा प्यार नहीं कर सकता। हजार रुपए मिलेंगे, वो पास आए तो उनका हाथ चूमना। आप इस तरह मेरा मुंह क्यों देख रही? वही रंग, वही आंखें, वही सूरत जी। हाँ? सुन,
मौना क्या कह रही है? तुम चुप रहो। मुअज्जिज मेहमानों, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि कल महाराज तुषारवर्ण और राजकुमारी शिवानी की मंगनी होगी। मंगनी? मुअज्जिज मेहमानों, आज के लिए दरबार बर्खास्त किया जाता है। मंगनी? देखिए किसकी मंगनी होती है। शकुनी, हिम्मत है? फिर भी कोई पूछने की बात है? अब लड़ाई सिर्फ तख्त ही के लिए नहीं, राजकुमारी के लिए भी होगी। मैं समझ गया। क्या? मोहब्बत। तुम मेरे साथ कहाँ आ रहे हो? राजकुमारी के पास रहो और महाराज तुषारवर्ण के लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत? हाँ। महाराज तुषारवर्ण के लिए? हाँ हाँ, तुमने उनकी जान बचाई, रक्त बचाया, अब उन्हीं के लिए राजकुमारी की मोहब्बत जीतनी है। सभी कुछ मुझे करना पड़ेगा? अजीब गधा मिला है तुम्हें। अच्छी बात है, जाता हूँ। जवाब कैसा? तमाचे का जवाब तमाचा। तमाचे का जवाब तमाचा? जी हाँ। इतनी जल्दी भूल गए? शर्म नहीं आती आपको? शर्म? और नहीं तो क्या। मदारी के भेस में हमसे मिले, समीर बनकर मोहब्बत जताई, हमारे अरमानों का मजाक उड़ाया गया। समीर बनकर? हम तो शर्बर्ण हैं, यहाँ के महाराज। आप किसका जिक्र कर रही हैं? आपका और किसका? हमारा? हम आपसे कभी नहीं मिले। देखिए देखिए, हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। हाँ देखिए, मेरे मतलब में मुझे मालूम था कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे, पर ये किसे पता था कि फर्ज के साथ साथ मोहब्बत की भी जीत होगी। मोहब्बत की जीत होती है। अच्छा, शबानी मोहब्बत करना भी जानती है? क्यों नहीं, शबानी के पहलू में क्या औरत का दिल नहीं? हो, मोहब्बत की थी मदारी से और शादी कर रही हो राजा से। राजा से? शर्मानी चाहिए आपको। लड़ाई में मेरे पिताजी को कैद कर लिया और कहने लगे कि जब तक शादी मंजूर नहीं करोगी तुम्हारे पिता को आजाद नहीं करूंगा। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि किष्किंधा का राजकुमार मदारी बनकर कालिंदी के महल में जादू कर रहा है तो उसी वक्त कैद करा देती। और शर्त किष्किंधा का राजकुमार नहीं बल्कि कालिंदी की राजकुमारी लगाती। शबानी कहिए। शबानी कहिए। शबानी कहिए। मैं शबानी महाराज। शबानी, मैं महाराज नहीं। महाराज क्या है? महामंत्री, देखते नहीं हम राजकुमारी से बातचीत कर रहे हैं? माफ कीजिएगा महाराज, आपकी बातों से ज्यादा जरूरी आपका फर्ज आपको बुला रहा है। मैं जानता हूँ। शबान कहिए। शबान कहिए ना, आप खामोश क्यों हैं? मेरा फर्ज मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारी तरह मुझे भी अपने फर्ज के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। महाराज। राजकुमारी, आपकी पूजा का वक्त हो गया है, मंदिर जाना है, आप जल्द तैयार हो लीजिए। चलिए महाराज।
मैंने कहा था झूठी मोहब्बत करने, अब तुम सच्ची मोहब्बत करने लग गए। चलो शाही मेहमान खाने, महाराज को पूजा के लिए मंदिर जाना है, वो अब तक होश में आ चुके होंगे और अपनी जगह आप संभाल लेंगे। तुम्हें इनाम देकर रुखसत कर दिया जाएगा। इनाम? जो इनाम मुझे मिलना था वो तो मिल ही चुका, अब सिर्फ यहाँ से रुखसत होना है हमेशा। हाँ हाँ, हमेशा के लिए। चलो महाराज कहाँ चले गए? किसी ने उनको गायब कर दिया। गायब कर दिया? किसने? कोई भी रियासत के लिए एक ही राजा काफी है। तुम यहीं ठहरो, हम देखते हैं। मेरे साथ आओ। महाराज को मार डालेंगे। मारा तो वैसे भी जाएगा। नहीं, क्यों? वो जानते हैं अगर उन्होंने महाराज को मार डाला तो तुम हमेशा के लिए महाराज बन जाओगे। महाराजा को जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? तुम महाराजा बने रहो। बस बस महामंत्री, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जा रहा। कहां? मैंने तो एक दिन राजा बनने का वादा किया था। मैं सभी नहीं, अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो? जान बचाना होती तो मैं यहां से कभी ना जाता। फिर क्या बात? अब राजा बनना मेरे बस की बात नहीं है। आपके पास को चलूं, पानी देखूं, प्यासा रहूं, सब कुछ पाकर भी डरता रहूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनिए, राजकुमारी के पास मैं किसको लेकर जाऊंगा? मुझे क्या मालूम, अब मैं सवानी को धोखा नहीं दे सकता। सुनिए, सुनिए, रुक जाओ दिवी, रुक जाओ दिवी, रुक जाओ दिवी, रुक जाओ। तुम्हारे जाते ही हमारी शिकस्त हो जाएगी, महाराजा मार डाले जाएंगे, रियासत तबाह हो जाएगी। तुम हमें सफाई में छोड़कर नहीं जा सकते। समीर, रुक जाओ, रुक जाओ समीर, तुम्हारा फर्ज तुम्हें पुकार रहा है। फर्ज? लेकिन मैं शबानी के पास नहीं रह सकता, मैं उसे झूठी मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उसे बाहर धोखा नहीं दे सकता। समीर, समीर, अब तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना होगा। कल सुबह मंगनी के बाद राजकुमारी अपनी रियासत कालिंदी वापस चली जाएंगी। वापस चली जाएगी? हाँ अब्दुल हाजी ना,
मंदिर। मुअज्जिज मेहमानों, कल सुबह महाराज और राजकुमारी की मंगनी होगी। आशीर्वाद दीजिए कि कल ये शाही रत्न अच्छी तरह से अंजाम पाए। जरूर जरूर, लेकिन आशीर्वाद देने से पहले मुअज्जिज मेहमानों, हम कुछ आपसे अर्ज करना चाहते हैं। राजकुमार अशितवरण, महामंत्री, हम आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन असलियत को छिपाना बहुत मुश्किल है। मुअज्जिज मेहमानों, आपकी नजरों से एक भेद छिपा हुआ है। अभी बताता हूँ, आपको ये सुनकर ताज्जुब तो जरूर होगा। आपकी आंखों से एक पर्दा उठ जाएगा। राजकुमार, छुटा हुआ तीर वापस नहीं आता और हमें वापस भी नहीं लाना। मुअज्जिज मेहमानों, मुअज्जिज मेहमानों, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये सच्चा पुजारी नहीं, ये कोई और ही आदमी है जो पुजारी का भेद बदल कर आया है, तो उसके लिए आपको सच्चा पुजारी लाकर दिखाना होगा। लाकर दिखाना होगा? जी राजकुमार, और जब आप इस पुजारी को झूठा साबित करने के लिए सच्चा पुजारी लाएंगे, तो आपको ये भी कहना होगा कि वो सच्चा पुजारी आप ही का मेहमान था। ये सब क्या है? मुअज्जिज मेहमानों, ये हमारा आपस का मजाक है। कौन जाने 7 दिन के बाद हम मिल भी सकेंगे या नहीं। ऐसा ना कहो। किस्मत के चक्कर अजीब होते हैं शबानी, हो सकता है आज का राजा कल का भिखारी हो। मैंने आपको पहली बार भिखारी के भेष में ही कहा था। तुम्हें प्लीज, फिर तुम्हें शबानी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मुझे तिमिर मत कहा करो, मैं सिर्फ कुशल बन। आप हर बार मुझे यही कहकर चिढ़ाया करते हैं। शबानी, वही तो नहीं, वक्त कम है, एक ही घड़ी जिंदगी के बराबर है। तो कहिए कि आप तिमिर भी हैं और स्पेशल बॉर्न भी। मेरे भाई, तुमने मुझे कैद क्यों कर रखा है? राजगद्दी के लिए। तुम राजगद्दी ले सकते हो, मुझे छोड़ दो, मैं राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब यह तुम्हारी बस की चीज नहीं, राजगद्दी के लिए दूसरा सुसर बन। अब क्या इरादा है राजकुमार? बस अब तक पर कब्जा करने का एक ही रास्ता है। वो क्या? तुषारभरण और उस मदारी की एक साथ मौत। अगर उनको तो आप किसी वक्त भी मार सकते हैं, लेकिन उस मदारी को कैसे खत्म करेंगे? और कल उसकी मंगनी, कल हमें इस मंगनी को रोकना है। रोक सकती है? कौन रोकेगा? नीलमा। कैसे? नाटक। नाटक? जी हाँ, नीलमा और उसके दो प्रेमियों का नाटक।
शबानी, जख्म गहरा है क्या? बहुत गहरा, देखो। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे तिमिर। फिर तिमिर, मैं तुषारवर्ण हूँ, यहाँ का महाराज। महाराज, राजकुमारी कालिंदी नहीं जाएंगी जब तक वो अच्छी ना हो जाए, आपके शाही मेहमान खाने में कयाम फरमाएंगी। हमें मंजूर है। खूब निशानेबाज लाया ढूंढ कर, गोली चलाई मदारी पर और लग गई शबानी को। अगली बार कहूंगा कि गोली चलाओ तुम पर और लग जाएगी मुझ पर। आप मुझ पर गोली ना ही चलवाया करें तो। बंद करो ये बकवास। अब क्या होगा? ओ नीलमा, क्या है महाराज? अजी महाराज नहीं, राजकुमार कहो राजकुमार। ना तो ये अभी राजा बने हैं और ना तुम रानी। बंद करो ये ठुमकना महामंत्री। देखो नीलमा, तुम्हें रानी बनने के लिए कुछ करना होगा। क्या? तुम्हें तमीर के पास जाना होगा। तमीर के पास? हाँ, तमीर महाराज, शाही मेहमान खाने में। नीलमा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी भलाई के लिए। तमीर, आशित बर्न ने कहा है कि 1,00,000 रुपया ले लो और राजधानी छोड़कर चले जाओ। अगर मैं न जाऊं तो? तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे अपनी जान का ख्याल नहीं, किसी और की जान का ख्याल है। तुम्हें बाबू? ओ, शबानी। तुम्हें बाबू? अरे बाप रे। दरवाजा खोलिए तुम्हें बाबू। जी जी जी, खोलता हूँ, जरा लिबास बदल रहा हूँ। अब क्या होगा? ये जुटता ना, अगर उसने हम दोनों को इकट्ठा देख लिया तो वो जान जाएगी कि मैं तिमिर हूँ। बोली बात में उसे छुपाना चाहता हूँ। छुप जाना कहीं। कहाँ छुपो? कहीं भी छुप जाओ। जल्दी खोलिए दरवाजा। जी हाँ, बहुत जल्दी खोलता हूँ। खोलिए ना, खोलिए। जल्दी दरवाजा खोलिए तिमिर बाबू। हाँ जी, खोलता हूँ, दरवाजा खोलने आ रहा हूँ। आइए। यहाँ कोई औरत थी तिमिर बाबू? देखिए, आप हमेशा भूल जाती हैं, मेरा नाम तिमिर नहीं, तुषारवर्ण है। और बाकी रही औरत, इस घर में आपके सिवा कौन औरत आ सकती है? यहाँ एक औरत अभी बातें कर रही थी। जी, ओ, 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 ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपके सिवा किसी औरत की शक्ल नहीं देखी कभी। हमने खुद आवाज सुनी है। यहाँ यहाँ वो तो मैं ख्याल ही ख्याल में आपसे बातें करता था और आपकी तरफ से खुद ही जवाब देता था। मैंने आपसे कहा मैं आपको चाहता हूँ, फिर आपने जवाब दिया। महाराज, मैं आपकी दास थी। बिल्कुल वही आवाज है। और अच्छी नसल उतारने में आप कमाल करते हैं। अजी कमाल क्या, हम तो जा, जा, आप। मैंने आपको 1,000 बार कहा है कि मेरा नाम तुषारवर्ण। अच्छा, आप बैठिए। बैठने की बात मत कीजिए, बुरी बात है। देखिए, और बात ये कि मैं थका भी नहीं हूँ कुखा, और अगर अगर आप कहती हैं तो बैठे अपने घर समझे तो कर लो, की कोई बात नहीं। आइए बैठे। कितनी अच्छी तस्वीर है, बिल्कुल जैसे जिंदा औरत खड़ी है। तस्वीर? ये तस्वीर वाह, बनाने वाले ने कमाल कर दिया है, बिल्कुल जिंदा औरत मालूम होती है। वाह। आप कहाँ चल रही हैं? तस्वीर देख रही हूँ। तस्वीर देखना चाहती हैं तो मेरे साथ आइए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर दरअसल यहाँ से देखनी चाहिए। रंग देखिए, रोहन देखिए, चौका देखिए, जो चीज देखिए खूबसूरत दिखेगी आपको। वाह। हाथ मत लगाइए, पेट अभी गीला है। कहाँ गीला है? सूखा तो है। पेट बहुत जल्दी सूख गया, कमाल हो गया। आप तस्वीर को छोड़िए, मेरी तरफ देखिए और चलिए। ठहरी ठहरी, बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी आंखें हैं। हाथ मत लगाइए, आंखों का रंग अभी बिल्कुल गीला है। कहाँ गीला है? सूखा तो है। कमाल हो गया, आंखें भी सूख गई। ये तस्वीर यहाँ अच्छी नहीं मालूम होती। जी बहुत अच्छी मालूम होती है, इसको यहाँ से मत दिखाइए, खराब हो जाएगी। 1,000 रुपए की तस्वीर है। हाँ, नहीं खराब होती। जी नहीं खराब होगी। चलिए आपको जी बहुत।
भी अच्छी नहीं मालूम हो रही। जी जी क्या कहा? यहाँ अच्छी मालूम होती है। यहाँ से देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी मालूम होती है। चलिए वहाँ रखेंगे। वहाँ रखने क्या फायदा, फिर वहाँ रखेंगे। नहीं वहाँ रखेंगे। नहीं वहाँ रखेंगे। नहीं नहीं जी हाँ, मेरा ख्याल है वहाँ रखेंगे। नहीं वहाँ रखेंगे। वहाँ यही रखेंगे, बहुत बहुत अच्छी लगेगी यहाँ भी। यहाँ भी बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं तो सोच रहा था कि इसे रखें ही यहाँ। बहरहाल बहुत अच्छी, जरा देखिए, जरा देखिए तो ये बाल, आहा, बाल है कि रेशम के जाल। आंखें, आहा, आंखें हैं कि जैसे हिरन की आंखें। और ये नवाब नाक, ये आपको हो क्या गया है? अच्छी महाराजा कुशलवरण, तो ये तिमीर नहीं है? जी नहीं, शक्ल मिलने से कभी किस्मत ही मिल सकती है। एक मदारी कैसे राजा बन सकता है? तो ये समीर नहीं है? जी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं जानती हूँ ये समीर है। जी नहीं। सुना आपने, मैंने पहले ही कहा था। झूठे हो तुम दोनों, झूठे हो, झूठे, झूठे हो। शबानी, शबानी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन कहाँ? मैं वापस जाना चाहती हूँ अपनी रियासत। मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। लेकिन हमारा कसूर? कसूर आपका नहीं, कुदरत का है। काश आपकी शक्ल उनसे न मिलती होती, मैं आज तक आपको तमीर समझती रही। लेकिन शादी आप हमसे करने आई हैं, तिमिर से नहीं। हाँ, लेकिन ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। तो रहूँ आपके साथ और दिल कहीं और हो। तरसती हूँ आपकी तरफ और याद आती है किसी और की। चाहती हूँ किसी को और शादी करती हूँ। नहीं नहीं, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। शबानी, शबानी, तुम घर में जाओ। मुझे जाना, मैं जरूर जाऊंगा। समीर, क्या सोच रहे हैं राजकुमार? तमीर का खून। खून? हाँ, ये लो और तमीर का पीछा करो, शबानी तक जिंदा पहुंचने ना पाए। Thank you.
मारने गए थे तमीज को तो खुद जान बचाकर भागे। फुलफिल डरपो न कार्य कहीं। आप जानते हैं कि सपनी ने आज तक मौत से आंख नहीं चुराई। खामोश रहो, मौत से आंख नहीं चुराई तो फिर वो तुम्हारे हाथ से कैसे बचा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम तो यही सोचते रहोगे और हमारी जीत हार में बदल जाएगी। बड़ी मुश्किल से तुषारबंद को कैद किया था और ये कमबख्त बदारी। ये नकली तुषारबंद कहाँ जा रहे? राजमहल। राज तो इसका मतलब ये है कि राजकुमारी शबानी शाही मेहमान खाने में इस वक्त अकेली है। जाहिर है, हम भी इसी मौके की तलाश में हैं। क्या इरादा है? जब तक मेरी जरूरत थी मुझसे झूठे वायदे करते रहे, और अब जबकि तुम कामयाब होने वाले हो, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालते इतना चाहते हो। राजकुमार, याद रखो राजकुमार, नीलिमा वो औरत है जो धोखे का जवाब धोखे से दे सकती है। जो तुम्हें बना सकती है वो तुम्हें मिटा भी सकती है, मगर तुम ऐसा करने के लिए आजाद न रखी जाओ। राजकुमार, हट जाओ मेरे सामने से। शकुनी, राजकुमार मैं इस पर कड़ी नजर। अच्छी बात है, मगर याद रखो, अगर ये यहां से भाग गई तो तुम्हारी जान इसके बदले में ली जाएगी। अगर मेरी बात मानो तो अब भी आजाद हो सकती हो। कहो क्या बात है? आशित बर्न के खिलाफ मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं, उससे बदला लेने के लिए खुद बेचैन। तो सुनो, इमील के पास जाओ और उससे कहो कि महाराज तुषारबंद इसी किले में कैद है। महाराज इसी किले में कैद है? हाँ, इसी किले में। इसे कहो कि किले पर हमला कर दे, आशीष बहन घबरा कर तुषारबंद को मार डाले। हम और तमीर मिलकर आशीष बहन को खत्म कर देंगे। इसके बाद तमीर हमेशा के लिए राजा बन जाएगा और हम तुम्हें इस किले पर राज करेंगे। राजकुमारी शबानी, हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है। हमदर्दी? आपके साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए। नाइंसाफी? हम जानते हैं राजकुमारी, महाराजा तुषारबंद से शादी करना आपने मजबूरन माना है। राजकुमार, इतनी प्यारी मजबूरी आज तक कभी हमारी जिंदगी में नहीं आई। राजकुमारी, हम तुम्हारी आप नहीं जानते राजकुमार, हम महाराजा तुषारबंद को उस वक्त से चाहते हैं जब हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो महाराजा है। क्या मतलब? आपको महाराजा तुषारबंद ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो? लड़ाई के जमाने में हमारे फौजी भेद मालूम करने के लिए महाराजा तुषारबंद कालिंदी आए थे मदारी बनकर। जी हाँ, भेष बदल कर। आप नहीं जानती राजकुमारी, भेष उन्होंने उस वक्त नहीं बदला था, भेष तो अब बदला है। अब बदला है? जी हाँ, जिसे आप महाराजा तुषारबरन समझती हैं वो महाराजा तुषारबरन नहीं बल्कि कालिंदी का मदारी है। कालिंदी का मदारी? जी हाँ, उसकी शक्ल हमारे भाई तुषारबरन से मिलती है। तो फिर महाराजा तुषारबरन कहाँ है? उन्हें उनके दुश्मनों ने गायब करके उस बदारी को राजा बना दिया। आखिर मैं कब तक यूं ही राजा बना रहूंगा? हर चीज की कोई हद होती है, लेकिन ये मामला तो हद से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। क्या भी किया जाए, मजबूरी है। मजबूरी? तुम हर वक्त अपनी मजबूरी का रोना रोते रहते हो, किसी और की मजबूरी नहीं देखते।
कल रात तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि शबानी और मैं हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मैं जानता हूं तिमिर, लेकिन अपना फर्ज मत भूलो। फर्ज उसी वक्त भूल गया था जब शबानी को धोखा दिया था। क्या मोहब्बत का ये फर्ज नहीं कि मैं उसे सब कुछ सच सही बता दूं? मैं इस तरह अपनी मोहब्बत का गला कभी नहीं घोंट सकता। तिमिर, तिमिर, तुम्हारे दिल की हालत को मैं समझता हूं तिमिर, लेकिन याद रखो, अपने लिए सब कोई जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। ओ महामंत्री, मुझे जो कुछ दूसरों के लिए करना था कर चुका। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए राजा बनने का वादा किया था, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन किसको पता था कि महाराज जी गायब हो जाएंगे? अगर गायब है तो उसे तलाश क्यों नहीं करते? नीले किले पर हमला क्यों नहीं करते? मुझे ये भी तो नहीं मालूम कि वो नीले किले में गायब है या नहीं। नीले मां, तुम्हें कैसे पता चला? मैं उन्हें अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये ताज कांटों का ताज है। जिन दुश्मनों ने महाराज तुषारबंद को गायब किया है, वो अब साय की तरह तमीज का पीछा कर रहे हैं। हो सकता है कि वो तमीज का खून भी कर दे। खून? जी हाँ। तो फिर क्या किया जाए? एक ही रास्ता है। अगर आप तमीज को चाहती हैं तो उसे साथ लेकर कशकंदा की राजधानी से चली जाए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप ये सब कुछ मेरे लिए क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमें आपसे मोहब्बत है। अशित वरन, बेगरज मोहब्बत। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आप समीर को छोड़ दें। हमारी मोहब्बत सिर्फ आपको सुखी देखना चाहती है। बोलिए, समीर से शादी मंजूर है या किष्किंधा के राजा से? शबानी, शबानी। आशिक बरन। जी महाराज। राजकुमारी अकेले में घबरा गई थी और हम इनकी तबीयत बहला रहे। राजकुमारी, महाराज, शबानी, क्या बात है शबानी? हमसे खपाओ कि हम तुम्हें अकेला छोड़ गए? भाई क्या करें, रियासत के काम ही ऐसे होते हैं। तुम तो जानती हो राजा की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या मुश्किलें होती हैं। जी हाँ, और खासकर उसके लिए जो कि मदारी से राजा बन गया हो। अगर तुम्हें राज के काम नहीं होते तो हम हर वक्त तुम्हारे पास रहते। अब भी ऐसा हो सकता है, आप हर वक्त हमारे पास रह सकते हैं क्योंकि आप तिमीर हैं। हाँ हाँ, तिमीर भी हैं, राजा भी हैं। आप राजा हैं मगर मेरे दिल के, रियासत के नहीं। रियासत के नहीं? नहीं। आशिक बर ने खूब दिल बहलाया है तुम्हारा। तिमीर, कहोगे तुम राजा नहीं हो, कहोगे तुम तिमीर हो, सिर्फ तिमीर। हाँ शबानी, मैं तिमीर हूँ, राजा नहीं। तो चलो तिमीर, यहाँ से भाग चले, दूर, बहुत दूर, जहाँ हम आजादी से मोहब्बत कर सके, जहां कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सके। काश इतना आसान होता। अगर तुम चाहो तो सब कुछ आसान हो सकता है। नहीं शबानी, हम यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें क्यों नहीं जा सकते? क्या दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है जिसे तुम शबानी से ज्यादा चाहते हो? जवाब दो, तुम किसको हमसे ज्यादा चाहते हो? राजू का? नहीं। लोगों का? हुकूमत? नहीं। तो फिर क्यों नहीं मेरे साथ जा सकते? कौन है जिसने तुम्हें रोक रखा? फर्ज। फर्ज? ये क्या कह रहे हो तुम्हें? हाँ शबानी, हम दोनों को अपनी ही मोहब्बत का खून करना है। ये मत भूलो शबानी, तुम्हारे पिताजी की रिहाई का मतलब था तुम्हारी शादी तुषारबंद के साथ। शबानी, तुमने अपने पिताजी के लिए कुर्बानी की थी, अब उसको मजाक मत बनाओ। तुम्हें महाराज को रिहा कराना है, नीले कले को हाथ में मिलाना है, बस तुम्हारा हाथ महाराज के हाथ में देकर मुझे हमेशा के लिए यहां से चला जाना। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो तिमीर। शबानी, तुम्हारा फर्ज तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, मेरा साथ दोगी? नहीं। शबानी, कहो मेरा साथ दोगी? नहीं। शबानी, तुम्हारा फर्ज तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। शबानी, हां कहो शबानी।
मैं कल की बात का जवाब देने आई हूँ। फरमाइए। मैं उस मदारी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन आप तो उसे चाहती हैं। वो मोहब्बत नहीं थी, धोखा था। आखिर मैं एक राजकुमारी हूँ और मदारी से शादी मेरी शान के खिलाफ है, मेरी इज्जत के खिलाफ है। मगर कशकंदा के राजा के साथ शादी करना तो आपकी शान के खिलाफ नहीं। वो तो मेरा फर्ज है। कशकंदा का राजा कोई भी हो, आपके भाई या आप। मगर कशकंदा का राजा तो समीर है। उसे आप रास्ते से हटा सकती हैं। कैसे? दावत। कहाँ? यहाँ नीले किले में। नीले किले में समीर कभी नहीं आएगा। मैं लाऊंगी। कैसे? मैं मनाना जानती हूँ। सच? हाँ, और फिर रात को जश्न मनाया जाएगा, और फिर उसी जश्न में समीर का खून, और फिर जश्न के बाद आप राजा और मैं रानी। लेकिन जश्न में होगा क्या? राग रंग और नीलमा का नाच। अरे सुनिए नीलमा, कहीं जा रही हो? अरे मुझे मैं अपना बना कर ही छोड़ूंगा। नहीं नीलमा, नहीं राजकुमार कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कोई ताकत नहीं बचा सकती आज, कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार हरदा राजकुमार शक्नी को रास्ते में आया तो मैं उससे मुकाबला करना होगा। तुझे बचाऊं नमक हराम? क्यों? अपने पे तलवार चलाने के लिए? तलवार में नहीं, भल खाओ या बकवास? ये बकवास नहीं राजकुमार, आप यहाँ है और हतनी राजा को आजाद करा रहा है। राजा को आजाद कर रहे रहना वही सड़क के मदारी। राजा को आजाद कराने आए थे और खुद ही फंस गए। अब तुम दोनों इसी जेल में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरोगे। याद रखो, आशिक परम ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और कभी नहीं मानेगा।
तुम समझे थे कि महाराज को तुम्हारे लिए यहीं छोड़ दूंगा? देखो कहीं के महाराज यहाँ नहीं, यहाँ से 10 मील दूर पंचक्की में कैद है, और तुम यहाँ कैद हो हमेशा के लिए। अब देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन बचाता है और महाराज को पंचक्की से कौन आजाद करता है। शबानी, शबानी, मक्कार औरत, अशित परम से बाजी जीतना इतना आसान नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आशित ने जिंदगी में किसी से हार नहीं मानी, और मानी भी तो एक औरत से। राजकुमार आशित वरन, किसी के खुशियों के शबिस्तान में आग लगाना आसान नहीं। कमबख्त मदारी, जिस शबिस्तान के तू ख्वाब देख रहा, कमबख्त मदारी, मदारी के बच्चे, अब देखता हूं तुम यहां से कैसे बच के जाते हो। को मारने आया था, अब बोल ये तलवार मेरे सीने के पार होती है। Thank you.
महाराज मदारी अब जा रहा है। क्यों? इसलिए कि प्रजा यही समझे पहले भी आप ही राजा थे और अब भी आप ही राजा हैं। मेरे हमशक्ल दोस्त, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे अदा कर सकता हूं? कैसे? काश मैं आपको बता सकता। आज तुम्हारा मदारी हमेशा के लिए जा रहा है, कुछ तो बोलो। आंसू फर्ज अदा करने के बाद आंसू, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो तुम्हें। नहीं शबान, जीती हुई बाजी मत हारो। तमीर, मुझे छोड़ के ना जाओ, तमीर मुझे छोड़ के ना जाओ। शबानी, नहीं शबानी, ये रो रो कर मेरे लिए और मुश्किल ना बनाओ। ये चार दिन जो हमने साथ साथ गुजारे हैं उनकी याद उम्र भर के लिए काफी है। मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाना है। नहीं तुम्हें, नहीं। राजकुमारी, सच्ची कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाया करती। दोस्त, Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.